हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आप सबके डिमांड पे जो रेट कैप आई थी उसी के ऊपर होने वाला है। तो आज रेट कैप का हमारे घर में दूसरा दिन है, दो पेयर में रेट कैप लेकर आया था, अभी तक तो सुरक्षित है, देख ही सकते हैं पैरेट्स का आनंद ले रही है और एक उधर है उस कोने में, काफ़ी एक्टिव है, अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हैं कि इसको कैसे मैंने सेटअप किया है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आपको गोल्ड फिश कैसे रखना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी बात, मैं गोल्ड फिश बहुत कम रखा हूँ, हमारे पास एक दो बार रही थी तो डेथ हो गई थी। मैं जो भी बात बोलता हूँ अपने चैनल पे वो जेन्युइन बात होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे पास गोल्ड फिश काफ़ी दिन से था, 4 साल से था और एक भी नहीं मरी है। जो नहीं मरती है उसके बारे में मैं बोलता हूँ कि वीडियो ट्रेटर हमारे पास 1.5 साल से है, मेरी एक भी डेथ नहीं हुई है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो मैं बोलता हूँ गोल्ड फिश मैं 2 बार रखा था पर वो कुछ ही दिनों में डेथ हो गई थी उसकी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये गोल्ड फिश का आज दूसरा ही दिन है, फिलहाल 2 दिन में तो अभी तक सुरक्षित है, तो ये बहुत खुशी की बात है। चलिए थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ गोल्ड फिश के बारे में, आपको कैसी रखनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में आज अभी थोड़ा सा बताऊँगा आपको। सबसे पहले गोल्ड फिश जो है, गोल्ड फिश बहुत ही खूबसूरत मछली है और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेल होती है। सबसे पहले मतलब कोई भी अगर फिश हॉबी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी फिश से स्टार्ट किया जाता है, गोल्ड फिश। और गोल्ड फिश में काफ़ी वेराइटी आती है, ये तो रेड कैप गोल्ड फिश है और इंडा गोल्ड फिश आता है, मतलब बहुत सारे कलरफुल में गोल्ड फिश आते हैं। तो सारे गोल्ड फिश सेम ही होते हैं, तो कोई भी आप रख सकते हैं। तो गोल्ड फिश जो है एक शांत मछली है, कोई झगड़ा लड़ाई इसको पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसे आप कोई भी अग्रेसिव फिशेस के साथ आप नहीं रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पैरेट, ऑस्कर, ये सबका के लिए ये फूड बन जाती है, ठीक है। तो आपको रखना नहीं है ऑस्कर वगैरह के साथ, ऑस्कर को तो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रखेंगे, वो तुरंत ही उसको फूड समझ के खा लेगी। सिकलेट वेराइटी के साथ नहीं रखना है, एंजल्स के साथ नहीं रखना है, इन सब के साथ आपको नहीं रखना चाहिए। गोल्ड फिश अपने आप में एक यूनिक मछली है, तो आप इसके लिए एक अलग सा टैंक सेटअप करें। अब इसके टैंक की सेटअप की बात करें तो टैंक का सेटअप होना कैसा चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप गोल्ड फिश रखना चाहते हैं और काफ़ी दिन तक रखना चाहते हैं तो टैंक जो है नीचे जो है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे आपको एकदम क्लीन रखना है। एक चीज़ का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है लग रहा है, हाँ ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है हमेशा नीचे जो है वो कुछ भी रॉक वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा फंसती है जिससे कि अमोनिया बिल्ड होती है और अमोनिया बिल्ड होने के कारण आपकी गोल्ड फिश की डेथ हो जाती है। फर्स्ट स्टेप आप समझ गए कि नीचे आपको कुछ नहीं रखना है, नॉर्मल जो भी है वही आप रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो आपको अधिक से अधिक अपने एक्वेरियम में अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं मेरे इस छोटे से टैंक में 2 चीज़ लगा हुआ है, एक तो ये एयर पंप लगा हुआ है तो इससे काफ़ी ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, दूसरा कि ये फिल्टर लगा हुआ है जिसको स्पॉन्ज फिल्टर बोलते हैं, तो स्पॉन्ज फिल्टर लगा हुआ है। स्पॉन्ज फिल्टर लगने की वजह से नीचे का जो डस्ट है वो आसानी से वो साफ कर लेती है, तो 2 ऑक्सीजन का सोर्स हो गया। तीसरा ऑक्सीजन का सोर्स है ये पोथोस यानी मनी प्लांट, तो ये मनी प्लांट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से, तो ये मनी प्लांट भी जो है ये सोर्स है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। तो अगर आप ध्यान से इस मनी प्लांट को देखेंगे तो काफ़ी हरी भरी लग रही है, तो अब ये ऊपर तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं लेकिन इसके रूट से इसको ऑक्सीजन मिलता है, ये आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रूट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं साइड में बहुत ज़्यादा रूट है, मैं उस साइड जाता हूँ 1 मिनट। तो इस साइड से अगर आप देखेंगे ये रहा रूट, देखिए मनी प्लांट्स के कितने सारे रूट हैं, तो इससे भी गोल्ड फिश को काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। तो 3 सोर्स मैं आपको बताया कि अगर आपको गोल्ड फिशेज रखना है तो एक तो आपको हमेशा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रखना है, मतलब ऑक्सीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दूसरा फिल्टर अच्छा रहना चाहिए, अभी मैं इसके लिए एक अच्छा सा फिल्टर भी लाऊंगा, अभी तब तक के लिए स्पॉन्ज फिल्टर लगाया हूं, लेकिन मैं इसके लिए एक अच्छा फिल्टर जल्दी लेकर आऊँगा। तो मैं इतने ज़्यादा पहले तो इस टैंक को मैंने बनाया, इसमें कुछ मनी प्लांट यानी पोथोस का यूज़ किया ताकि इसमें ऑक्सीजन पहले अच्छे से पनपे
अब ऑक्सीजन मिल रही है तभी मैं ये वाला फिशेज लेकर आया हूँ जिसका नाम है रेड कैप गोल्ड फिश, जिसके बारे में आप सब हमको बोले थे। तो दो पॉइंट हो गया, ऑक्सीजन आपको अधिक से अधिक देना है प्लस नीचे कुछ भी सजाना नहीं है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, फूड। इसलिए फूड कोई भी खा लेती है पर कोशिश करें कि न्यूट्रेंट वाला फूड दें जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। प्रोटीन वाला फूड देंगे तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगी। प्लस इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में तीन बार फूड देंगे, आप तीन बार फूड देंगे तो आपकी गोल्ड फिश काफ़ी अच्छे ढंग से रहेगी। प्लस चूंकि इसका पेट जो है वो मतलब पेट रहता ही नहीं है, गोल्ड फिश को पेट नहीं रहता है, तो वो फूड खाएगी और तुरंत वेस्ट करेगी जिस कारण से आपकी टैंक जो है वो काफ़ी हद तक गंदी होगी। अभी तो ये दूसरा ही दिन है तो गंदी तो होने का सवाल है नहीं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसे तीन बार अगर आप फूड देंगे तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से रहेगी। ये बहुत ही फ्रेंडली फिशेज होती है, अगर आप पहचानने लगेगी तो फिर ये बहुत अच्छे से आपके साथ खेलेगी घूमेगी। देख सकते हैं डरती अभी भी नहीं है पर अभी उतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुई है, ये देख सकते हैं, पर उतनी घबराती नहीं है जरा सा भी। दूसरा ही दिन है पर बहुत अच्छे से दोस्ती हो जा रही है, आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं भागेगी। बाकी कोई भी फिशेज के टैंक में अगर आप उंगली डालेंगे तो फिर वो भाग जाती है। तो गोल्ड फिश रखने का जो भी शर्त है वो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया कि हमको गोल्ड फिश रखने का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एग्रेसिव फिश बहुत रखा हूँ, मतलब ऑस्कर तो हमारे पास 8 साल से था, जैसा कि मैंने मेरे प्लेलिस्ट में बना होगा मेरा पुराना वाला ऑस्कर, तो वो तो 8 साल से है। बाकी जाइंट गुरामी के बारे में मैं आपको बता ही दिया, 2.5 साल से है। पैरेट का लगभग 1.5 साल से आसपास हो गया है, मोनो एंजल्स का 1 साल से ऊपर ही हो गया है। सब चीज़ का मैं अनबॉक्सिंग करके रखा हूँ। अच्छा एक और फिश मैं आपको इसी गोल्ड फिश के बहाने दिखा देता हूँ, अभी निकली है, ये मेरी फाइटर फिश, ठीक है, ये तुरंत छिप जाती है, उसके लिए मैं एक अलग सा टैंक अभी बनाऊंगा। ये रही फाइटर फिश, देख सकते हैं ये रही फाइटर, इसमें भी मैं मनी प्लांट्स दिया हूँ ताकि इसको ऑक्सीजन मिल पाए। इसकी रूट वगैरह देख सकते हैं वहाँ पे है, ड्रिप टूट के सहारे मैं मनी प्लांट्स को लगाया हूँ। तो मेरे घर में बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है, टैंक में तो है ही प्लस गमला में भी है, पॉट में भी है, तो बहुत ज़्यादा मनी प्लांट है। मनी प्लांट टैंक में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे की अगर बात करें तो नंबर वन की ये ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा ही, ये अमोनिया को बढ़ने से रोकेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करेगा। तो आप मनी प्लांट कैसे लगाएंगे अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं मनी प्लांट पे एक दिन एक वीडियो आप सबके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये था गोल्ड फिश के ऊपर, अभी तक जो भी मैं अभी सीख ही रहा हूँ गोल्ड फिश रखने, ये मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस है रेड कैप गोल्ड फिश को लेकर, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं आपको बताना चाह रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रखूँगा तभी तो आपको बताऊँगा। मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैं जो जो इस टैंक में किया हूँ बस वही मैं आपको बताया, ऐसा नहीं कि अगर आप मुझसे ज़्यादा अच्छा ढंग से जानते हैं तो आप वो करेंगे, ये नहीं कि मेरा सुन के मेरा वाला रूल अपनाना है, ऐसा नहीं है। अभी मैं इसे कम से कम 2 मंथ अगर रह गई तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही ढंग से इसको रख पाया हूँ, अगर नहीं रही तो उसका भी वीडियो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ। बाकी अभी तो चलिए 2 पेयर है और दोनों पेयर काफ़ी अच्छे ढंग से है, 2 बार मैं फूड दिया हूँ, कल तो फूड नहीं दिया था, कल तो जैसा कि आया था तो शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाया था आप सबके लिए, तो उस टाइम मैं फूड नहीं डाला था। इसके पीछे तो 2-3 कारण आप समझ गए होंगे कि जिस दिन आती है फिशेज उस दिन आपको फूड वगैरह नहीं डालना है, इसके अलावा उसके अगले दिन फूड डालना है, और इसमें सिंधा नमक मैं ऐड किया था ताकि इसके पेट वगैरह क्लीन हो जाए और फिर ये अच्छे ढंग से इस टैंक में सर्वाइव करे। तो ये अभी फिलहाल है मेरी न्यू गोल्ड फिश, आपको कैसी लग रही है ये रेड कैप गोल्ड फिश कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं इसे रखूंगा नहीं तब तक मैं पूरे अच्छे ढंग से नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर धीरे धीरे मैं रखूंगा क्योंकि मैं आपको खराब रिव्यू नहीं देना चाहता हूं, कुछ भी बोल के मैं वीडियोज में नहीं निकलना चाहता हूं, आप सब लाएंगे मेरे भरोसे पे, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं पहले रखूं उसके बाद आपको सही गाइडलाइंस दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। ये रही हमारी गोल्ड फिश, चलिए थैंक यू सो मच, बाय।